जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, सोतापन्ना की अवस्था एक शुद्ध मन की अवस्था होती है। सोतापन्ना की अवस्था को जरा विस्तार से जानने के लिए हमें पहले अपने मन की अवस्थाओं को जानना अत्यावश्यक है कि मन आखिर कैसे व्यवहार करता है, क्या उसका स्वभाव है। तो इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो शुद्ध मन सदैव शीतल होता है, यह सकून अर्थात राहत भरा होता है। वैसे मन का जो कार्य है वह केवल सोचना होता है, मगर यह मन शांति, राहत और सकून चाहता है, यह इसका मूलतः स्वभाव होता है। तो मन की जो प्रकृति है, हमारे अंदर एक सकून, एक राहत, एक शांति को वह सदैव ढूंढती रहती है। और जब यह अपने आप से इसकी तलाश में आगे बढ़ती है तो उसे यह शांति और सकून हमारे 6 अंगों से मिलता है। अर्थात हमारी 6 अंग इसे एक खुशी, राहत, आनंद की अनुभूति कराते हैं। मगर ये जो बाहरी संवेदनाएं जो मन को आनंद देती हैं वे अनित्य होती हैं, अर्थात क्षणिक होती हैं, नष्ट हो जाने वाली होती हैं। तो जैसे ही वो क्षणिक या नष्ट होती हैं, फिर से हमारा मन इस प्रकार की संवेदनाओं को ढूंढने लगता है और फिर वो इच्छाएं उत्पन्न करता है, और यही हमारा अनियंत्रित मन आगे चलकर इच्छाओं के भंवर जाल में फंसकर दुख को उत्पन्न करता है। इस अवस्था में एक विशेष परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि व्यक्ति जो है अपने मन के वश में हो जाता है, अर्थात मन व्यक्ति पर नियंत्रण पा लेता है और फिर वो जिस तरीके से उसको घुमाता है वह घूमता रहता है। मन क्षणिक शांति, क्षणिक सुखद एहसास के पीछे अपनी इच्छाओं को लगातार उत्पन्न करता है और उसी के पीछे वह भागता रहता है, और उसका परिणाम कि उनकी तलाश में वह दुखों को उत्पन्न कर देता है। जब व्यक्ति अपने मन के नियंत्रण में हो जाता है तभी दुखों का समुदय होता है। तो सोतापन्ना की अवस्था में व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, अर्थात उसका मन उसके वश में हो जाता है। तो ये होता कैसे है, ये इतना सहज नहीं है। इसके लिए हमारे मन स्थिति की अलग अलग दशाओं को हमें समझना होगा। जैसे इसे आगे अगर समझें तो जितनी हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं उत्पन्न होंगी उतना ही जीवन में दुख और व्याकुलता रहेंगे। पहले इस समीकरण को बड़ी गहराई से हमें समझ लेना है कि जीवन में जैसे जैसे आप तृष्णाओं को या अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यह दुखों के रूप में जीवन को व्याकुल करती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जीवन में अगर इच्छाएं हैं तो वो जीवन में व्याकुलता या दुख ना उत्पन्न करें। इच्छाएं होंगी तो दुख उत्पन्न होंगे, ये एक दूसरे के समान अनुपात में होते हैं, जितनी इच्छाएं उतनी व्याकुलता। अब ये जो इच्छाएं या जो तृष्णा उत्पन्न कैसे होती है इसे आगे समझते हैं। द्वादश निदान के संदर्भ में 12 कार्य कारणों की श्रृंखला के अंतर्गत 4 कारणों का उल्लेख यहां पर करना थोड़ा आवश्यक है। जैसे किसी विषय अर्थात नाम रूप का स्पर्श 6 अंगों से होता है, अर्थात नाम रूप विषय का संपर्क हमारे 6 अंगों से जब होता है तभी वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात सुखद संवेदना, और यह सुखद संवेदना हमारे अंतर मन को क्षणिक राहत का एहसास कराकर गायब हो जाती हैं। अब चूंकि ये जो क्षणिक राहत है ये हमारे अंतर मन को एक
सुखद अनुभूति देता है, एक राहत प्रदान करता है। अब चूंकि ये क्षणिक है, गायब हो गई है, फिर से हमारा अंतर्मन उसी प्रकार की इच्छाओं को उत्पन्न करता है कि हमें फिर से वही इच्छा चाहिए, फिर से वही इच्छा चाहिए। अर्थात इस प्रकार से यह उपादान को उत्पन्न करती है। उपादान का अर्थ है कि हमारी अच्छी इच्छाओं से चिपकने का भाव, आसक्ति का भाव, राग का भाव। जरा इसे और विस्तार में हम आगे समझते हैं कि कैसे नाम रूप स्पर्श के जरिए छह अंगों से संपर्क होने के पश्चात वेदनाओं को उत्पन्न कर तृष्णा को जन्म देती है और ये तृष्णा हमारे जीवन में दुखों को उत्पन्न करती है। इसे कई उदाहरणों के माध्यम से जरा विस्तार से समझते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति अपने एक मित्र के घर गया, उसका घर काफी शानदार अवस्था में है, तो वहां पर घर में जाने के पश्चात उसे बड़े ही आराम का एहसास हुआ और उसका यह आराम या उसकी यह सुखद संवेदना उसे बड़ी अच्छी लगी और फिर यही सुखद संवेदना आगे चलकर उसके अंदर इच्छाओं में परिवर्तित हो गई कि उसे भी वैसा घर चाहिए। अब इस उदाहरण में घर जो है ये विषय अर्थात नाम रूप है और षडायतन अर्थात हमारे शरीर या हमारी आंखों का स्पर्श उस घर से हुआ। जब हम उस घर में गए तो उस दौरान हमारे शरीर और आंखों का स्पर्श उस घर से हुआ और हमारे अंदर सुखद संवेदना, आरामदायक अवस्था अर्थात उस घर में एसी है, गद्दे हैं, काफ़ी खुला कमरा है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां आरामदायक अवस्थाओं का निर्माण करती हैं और ये सुखद संवेदना का एहसास हमें राहत महसूस करता है। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं और वह सुखद संवेदना हमारे अंदर उस घर को लेने की इच्छा को उत्पन्न करती है और फिर हम उस नए घर के लेने के प्रयास में जुट जाते हैं। तो फिर उस नए घर के लेने के प्रयास में जब जुटते हैं तो फिर से हमारे जीवन में उस प्रक्रियाओं के दौरान एक संघर्ष उत्पन्न होता है और यह आगे चलकर हमारे दुखों को उत्पन्न करता है। वैसा एक दूसरा एक उदाहरण देते हैं। कोई एक व्यक्ति अपने मित्र के यहां पर गया और उसने उसकी गाड़ी को देखा, गाड़ी बड़ी शानदार, बड़ी आरामदायक, वह उसमें बैठा और बैठने के बाद में उसके अंदर से फिर से इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे भी वैसी गाड़ी चाहिए। अर्थात उस गाड़ी का संबंध उसके शरीर और आंखों से हुआ, अर्थात उस गाड़ी में बैठने की वजह से उसके शरीर और आंखों का संपर्क उससे हुआ और उसे एक आरामदायक अवस्था उत्पन्न हुई और उसके अंदर गाड़ी लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो गाड़ी यहाँ पर नाम रूप अर्थात विषय है, शरीर और आंखें षडायतन अर्थात हमारे अंग हैं और बैठने की वजह से स्पर्श हुआ जिसने आरामदायक अवस्था अर्थात सुखद संवेदना वेदना के रूप में प्रकट किया और फिर वहां पर तृष्णा उत्पन्न हुई कि गाड़ी लेने की इच्छा उत्पन्न हो गई। ठीक उसी प्रकार से भोजन के संदर्भ में अगर देखें, भोजन के संदर्भ में देखें कि एक व्यक्ति ने कहीं पर जाके एक स्वादिष्ट भोजन किया तो वहां पर भोजन विषय अर्थात नाम रूप हो गया, जीभ हमारे छह अंगों में से एक हो गया और इनका संपर्क जब हुआ अर्थात स्वाद का जब अनुभव किया तो वह भोजन उसे स्वादिष्ट लगा, वह भोजन उसे स्वादिष्ट लगा अर्थात सुखद संवेदना का एहसास हुआ और फिर से वैसा भोजन खाने की इच्छा बार बार हमारे अंदर आने लगी। किसी मधुर संगीत को जब हमने सुना तो उसके सुनने के बाद में हमें राहत का एहसास हुआ और फिर उस राहत को फिर से बार बार पाने की इच्छा में बार बार वैसे सुखद संगीत की इच्छा प्रबल हुई। तो अर्थात संगीत जिसका संपर्क हमारे कान से हुआ या यहां पर संगीत विषय हो गया, कान हमारे षडायतन के अंग हो गए और सुनना हमारा स्पर्श हो गया, उसके जरिए सुखद संवेदना और राहत जागी जिससे उस व्यक्ति के अंदर फिर से वैसा संगीत सुनने की इच्छा प्रबल हुई अर्थात तृष्णा जागी। और चूंकि यह क्षणिक है, बाहरी है, इसी वजह से वे समाप्त हो जाती हैं और फिर से हमारे अंदर उसी प्रकार की चीज़ों की सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है अर्थात
तृष्णा उत्पन्न होती है। सुगंध हमारे नाक के जरिए हमारे अंतर मन तक पहुंचती है और इसी दौरान फिर से हमें एक राहत का एहसास होता है, फिर से हम वैसी चीज़ों को सुगंध के माध्यम से हमसे लेने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सुगंध पदार्थ, इत्र इत्यादि, इनका संपर्क हमारी नाकों से अर्थात सूंघने के माध्यम से हमारी नाक से हुआ, हमें एक आनंद की अनुभूति और राहत का एहसास हुआ। और चूंकि ये आनंद और राहत क्षणिक है, इसलिए कुछ समय के पश्चात ये समाप्त हो जाती है और फिर से ये चूंकि सुखद संवेदना हमारे अंतर मन को दी है तो हमारे अंदर फिर से वैसी संवेदनाएँ जागती हैं, बार बार वैसी इच्छाएँ जागती हैं कि हम उस प्रकार के सुगंध को प्राप्त करें। शराब, कोई व्यक्ति अगर शराब का सेवन करता है तो उसे पीने के दौरान भी उसे एक स्वाद, एक सुखद संवेदना और नशा और राहत के रूप में उसे एक सुखद एहसास होता है। और चूंकि ये संवेदनाएं बाहरी हैं तो क्षणिक हैं, अनित्य हैं, और फिर थोड़े समय के बाद में जैसे संवेदनाएं समाप्त होती हैं अंतर्मन फिर से वैसी इच्छाओं को बार बार पाने की कोशिश करता है, अर्थात फिर से शराब पीने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो यहां पर शराब विषय का संपर्क जब हमारे जीभ और शरीर अर्थात पीने के माध्यम से जब हमारे जीभ और शरीर से होता है तो उससे स्वाद मिलता है, नशा मिलता है, राहत होती है अर्थात वेदना उत्पन्न होती है। और चूंकि यह बाहरी वेदना है अर्थात हमने इन सुखद संवेदनाओं को बाहरी विषयों से पाया है तो इसलिए ये क्षणिक हैं, अर्थात ये सुखद संवेदनाएं कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाती हैं। और चूंकि हमारे अंतर मन ने इस प्रकार से सुखद संवेदना को महसूस किया है तो वो बार बार उसी की तरफ आगे बढ़ता है, अर्थात फिर से पीने की इच्छा या तृष्णा उत्पन्न होती है। ठीक यही अवस्था शारीरिक वासनाओं के जरिए भी उत्पन्न होती है। वासना के दौरान शरीर का संबंध वासना से होता है, अर्थात वासना विषय शरीर छह अंगों में शायतन और संबंध स्पर्श, इसकी वजह से एक आनंद, एक मजा और एक सुकून या राहत का एहसास होता है। चूंकि ये छह अंगों के माध्यम से बाहरी संवेदनाओं के जरिए ये सुखद संवेदना मिली तो यह भी क्षणिक अर्थात अनित्य होती है, नष्ट हो जाने वाले होती है। और जैसे ही ये नष्ट होती है फिर से हमारा अंतर मन उस सुखद संवेदनाओं में खो जाता है जो उसे वासना के जरिए मिला है, और फिर से उसके अंदर इच्छाएं जागती हैं कि बार बार उसी प्रकार की इच्छाएं उसे चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से विषय का संपर्क हमारे छह अंगों से होता है, सुखद संवेदनाएं उत्पन्न होकर बार बार तृष्णा को जन्म देती, और चूंकि यह तृष्णा एक असंतुष्ट अंग के माध्यम से पाई गई है इसलिए यह संतुष्ट नहीं होती है और व्याकुलता को उत्पन्न कर दी। अब यहां पर हमें मन को समझने के लिए कुछ और चीजों को समझना होगा। हमारा जो अंतर मन है इसके दो कार्य हैं, एक राहत या सुकून के एहसास को पाना और दूसरा सोचना। चूंकि मन है तो वो सोचेगा ही, उसको बिना सोचे रखा नहीं जा सकता है, और उसे साथ साथ में राहत और सुकून भी चाहिए। तो ये मन अपने आप राहत और सुकून की तरफ बढ़ने के लिए सोचता रहता है। और यहां पर एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि जब व्यक्ति मन के वश में हो जाता है तो वह व्यक्ति सुखद संवेदनाओं की भागने की तरफ से बार बार इच्छाओं को उत्पन्न करता है। तो अब इसे सुकून या राहत चाहिए, तो इसे मिलती कहां है? हमारे छह अंगों से। हमारे छह अंगों से जो सुखद संवेदनाएं मिलती हैं उसमें उसे राहत और सुकून मिलता है। अब चूंकि यह जो छह अंग हैं यह असंतुष्ट हैं अर्थात अनित्य हैं, इनके जरिए जो मिलने वाली जो सुखद संवेदनाएं हैं वह अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं अर्थात नष्ट होने वाली हैं। अब चूंकि यह सुखद संवेदनाएं नष्ट हो जाती हैं लेकिन फिर हमारा अंतर मन सोचना शुरू करता है कि इन्हें कैसे पाए, तो वो बार बार उन्हीं के जरिए उन सुखद संवेदनाओं की तरफ जाकर राहत को पाने का प्रयास करता है अर्थात तृष्णा को उत्पन्न करता रहता है, और अनजाने में यह तृष्णा उसके अंतर मन को व्याकुल किए रहती है।
ये कैसे होता है इसे थोड़ा आगे और अलग तरीके से समझते हैं कि हमारा जो ये अंतर्मन है इसका मूल स्वभाव है शांति या राहत या सुखी का एहसास करना। इसे ये चाहिए और इसे चाहने के लिए ये सोचना शुरू करता है। अगर इसे आप सोचने का कार्य नहीं देंगे तो ये छह अंगों के जरिए वहां पर जाएगा, सोचेगा और उनके जरिए वो सुखद संवेदना लेगा। अब चूंकि ये सुखद संवेदना संतुष्ट नहीं है तो उसके मन में तृष्णा या इच्छाओं को उत्पन्न करती है, और जितनी इच्छाएं ये उत्पन्न होती हैं उसके अंतर मन में वह जाकर बैठती जाती हैं। जितनी सुखद संवेदनाएं उसको बाहरी अंगों के जरिए मिलती हैं वे क्षणिक होती हैं। अब चूंकि उस सुखद संवेदना ने उसे एक सुखद एहसास अर्थात राहत दी है तो ये मन भटककर उसी तरफ जाता है और अपनी इच्छाओं को बार बार उत्पन्न करता है। जितनी बार वह इच्छाओं को उत्पन्न करता है मन उसी अनुपात में दूषित होता जाता है और धीरे 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 अनजाने में इस अंतर मन में इतनी इच्छाएं भर जाती हैं कि यह पूरी तरह से व्यथित और व्याकुल हो जाता है। तो इस मन का जो स्वभाव है वो बदल जाता है। जो उसका मूलतः स्वभाव राहत शांति शकून का होता है वो व्याकुलता में बदल जाता है, क्योंकि उसने इतनी इच्छाएं पाल ली और जैसे 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 ये इच्छाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ये मन व्यथित होता जाता है। और ये इच्छाएं उत्पन्न कहां से होती हैं? हमारे छह अंगों के माध्यम से। हर एक सुखद संवेदना एक नई इच्छा को उत्पन्न करता है और हमारे अंतर्मन को व्याकुल कराता है। शरीर से जुड़ी सुखद संवेदनाएं, वासना से जुड़ी सुखद संवेदनाएं हमारे अंतर्मन में इच्छाओं को उत्पन्न करती हैं, और चाहिए और चाहिए। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ये सारे अंग मिलकर जो सुखद संवेदनाओं को वो महसूस करते हैं, चूंकि वो क्षणिक होती हैं तो वो उसी में रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे इच्छाओं को क्षणिक या उनके नष्टता के पश्चात यह जो अंतर मन है ये ढेर सारी इच्छाओं को अपने अंदर सजोकर रखता जाता है और यही अंतर मन आगे चलकर व्याकुल होकर मन को बेचैन कर देता है और दुखों को उत्पन्न कर देता है। यहां पर हम जब इस परिस्थिति को समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये बात तो हमने समझ ली कि हमारा जो अंतर मन है वह हमारे छह अंगों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं के कारण व्यथित रहता है। अब इस सत्य को जानने के बाद में हम आगे क्या करें, किस तरीके से इससे छुटकारा लें? तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को जब एहसास होता है कि यह चीज सही नहीं है तो उनसे वो छुटकारा चाहता है। तो छुटकारे का भी तरीका होता है। जैसे इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने की वजह से उसके अंदर सुखद संवेदना जागती है, उसकी वजह से उसे क्षणिक राहत होती है लेकिन फिर वह नष्ट हो जाती है, मगर उसके बाद फिर से वह व्यक्ति दुखों के दलदल में घिर जाता है। लोग उसे कहते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, वो खुद भी जानता है शराब नहीं पीना चाहिए, फिर वो निर्णय लेता है कि नहीं अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अर्थात अपनी इच्छाओं का वहां पर वो दमन करता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो अपनी इच्छाओं का दमन करना शुरू होता है फिर कुछ समय के बाद में, एक दिन दो दिन तीन दिन के बाद में, फिर वो उसी शराब की जगह पर जाता है और इतना पीता है कि वो सारे सीमा को पार कर देता है। ठीक इसी प्रकार से वासना से लिप्त व्यक्ति जब उसके अंदर इस प्रकार की इच्छाएं जागती हैं तो उसे सुखद संवेदना मिलती है, मगर इस प्रकार का दुराचरण उसके जीवन में दुखों को उत्पन्न कर देता है। तो वो कहता है नहीं गलत है। लेकिन फिर से जब उसके सुखद संवेदनाओं का वो दमन करना शुरू करता है तो पता चलता है कि कुछ दिनों के पश्चात फिर वह उसी शराब खाने में जाता है और फिर वो जी भर कर अय्याशी करता है। तो सवाल यहां पर है कि हमने तो इसे समझ लिया है कि ये हमारे अंदर ये सारी इच्छाएं दुखों को उत्पन्न कर रही हैं, मगर हम इनसे छुटकारा कैसे पाएं, कैसे इनसे बचें?
क्योंकि अगर आपने एक इच्छाओं का दमन करना शुरू किया तो इन इच्छाओं के दमन में ये आपके अंदर बेचैनी, छटपटाहट इनको जन्म दे देंगी और ये फिर से आपको उसी जकड़न में ले लेंगी जिससे आप बचना चाहते हो। तो आखिर इनसे बचे कैसे? फिर यहां पर आगे बुद्ध इसी संदर्भ में कहते हैं कि इन अवस्थाओं को जानना बहुत आवश्यक है और इनके आगे पीछे होने वाली घटनाओं को भी जानना उतना आवश्यक है। तो बुद्ध खुद्दक निगाह गुहठक सूत्र में कहते हैं किस प्रकार के तृष्णा के दलदल में फंसकर व्यक्ति की क्या अवस्था होती है कि अल्प जल वाले क्षीण जलाशय की मछलियों के समान तृष्णा के वशीभूत हो तड़फड़ाने वाले को देखो। इसे देख भवों में आसक्ति न करता हुआ तृष्णा रहित हो विचरण करे। अर्थात ये सारी परिस्थितियां तृष्णा के जरिए ही उत्पन्न हुई हैं और तृष्णा को खंडित करने के पश्चात ही हमें इनसे छुटकारा मिल सकता है। तो इसके संदर्भ में कहते हैं कि उन घटनाओं को सही तरीके से समझना आवश्यक है, उन्हें पूरी तरह से विस्तार से उसके आगे और पीछे की घटनाओं को जब हम तक नहीं जानेंगे तब तक हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जैसे उदाहरण पे कि अगर शराब पीने वाला व्यक्ति उसके बारे में अगर वो आगे सोचे कि ठीक है अगर मैंने शराब को आगे भी पिया तो उसके बाद में फिर से क्या अवस्था उत्पन्न होगी, फिर से वही उत्पन्न होगी कि ये क्षणिक सुख देगी, क्षणिक सुख देने के पश्चात फिर मेरे जीवन को और व्याकुल कर देगी। अर्थात जो यह मैं शराब या इस प्रकार का मैं कोई अगर गलत आचरण या दुराचरण कर रहा हूँ सुख के पाने की तलाश में, ये क्षणिक है, ये नष्ट होने वाली है और ये तृष्णा को उत्पन्न कर देती है और जीवन को और व्याकुल बना देती है। अर्थात मैं यहाँ पर जो सुख और शांति राहत लेने जा रहा हूँ ये मुझे दुखों की तरफ और ढकेल देती है। अर्थात इसके आगे की घटनाओं का आभास ये महत्वपूर्ण है। और इसी संदर्भ में खुद्दक निकाय में बुद्ध तृष्णा को समझाते हुए कहते हैं कि अरे तृष्णे, मैंने तेरी जड़ को देख लिया है, तेरा उत्पाद इच्छाओं में होता है, तो मैं इच्छा ही नहीं करूंगा जिससे तू अस्तित्व में ही नहीं आ पाएगी। तो बुद्ध इसे समझाते हुए कहते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तृष्णा के व्यवहार को समझना। अगर तृष्णा के व्यवहार को आप समझेंगे तो आपको यह पहले से ही पता चलेगा कि अरे ये आगे चलकर तो दुखों को ही उत्पन्न करेगी, आपका ही नुकसान करेगी, और अगर आप इच्छा ही नहीं करेंगे तो दुख अस्तित्व में आ ही नहीं पाएंगे। मगर फिर से वही प्रश्न उत्पन्न होता है कि कैसे हम इच्छाओं को ना करें, क्या हम अपनी इच्छाओं का दमन कर उसे ना करें? तो फिर यहां पर बुद्ध प्रज्ञा की बात करते हैं कि व्यक्ति को अपने अंदर प्रज्ञा को जगाना होगा, उसे समझना होगा, अपनी बुद्धिमत्ता को जागृत करना होगा कि तृष्णा अर्थात इच्छाओं के व्यवहार को बड़ी गहराई से समझे, उसके आगे होने वाला, उसके पीछे होने वाला, सारी घटनाओं को विस्तार से समझे। और जब उसके अंदर यह भाव उत्पन्न होता है तब उसे यह समझ में आता है कि यह व्यवहार तो आगे चलकर दुखों को उत्पन्न करेगा, मुझे और व्याकुल करेगा। और जब यह प्रज्ञा जागृत होती है तब उसे सत्य का एहसास होता है। और प्रज्ञा जागृत करने के लिए बुद्ध विपश्यना के सहारा की बात करते हैं कि हो सकता है कि आपको प्रज्ञा जागृत करने में या सही दिशा पाने में मुश्किल या कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर विपश्यना के जरिए वे प्रज्ञा को जागृत करने की बात करते हैं कि जैसे ही हम विपश्यना के जरिए अपनी प्रज्ञा को जागृत करते हैं तो ये इन परिस्थितियों के आगे और पीछे होने वाली सभी घटनाओं को जान लेते हैं। अर्थात सही दृष्टि, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि का एहसास होता है। और जब एक बार हमारे अंदर सही दिशा, दशा या सम्यक दृष्टि या सही भाव से जब उसे हम देख लेते हैं तब हमारे अंदर अपने आप एक प्रकार की
परिस्थितियों का निर्माण होता है कि इस प्रकार की अवस्थाएं, इच्छाएं स्वतः ही नष्ट होने लगती हैं। और इन्हीं अवस्थाओं को विपश्यना के जरिए पाना ही एक सर्वश्रेष्ठ अवस्था कही गई है कि जो हमारे ये पांच अंगों से मिलने वाली जो संवेदनाएं हैं ये अनित्य हैं, असंतुष्ट हैं। और इन पांच असंतुष्ट अंगों को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जितना आप इन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे यह तृष्णा के दलदल में फंसती जाएंगी और दुखों को उत्पन्न करती रहेंगी। हालांकि यह मार्ग कठिन है, इसे अनुभव के स्तर पर लाना और मुश्किल है, लेकिन इसी को सरल करने के लिए विपस्सना के मार्ग का सहारा लेते हैं कि इन अवस्थाओं को, इन परिस्थितियों को जानकर, स्वीकार कर उसका अनुकरण करने के लिए हमें विपस्सना की आवश्यकता होती है कि विपस्सना के जरिए हम इन्हें सहज ही पा सकते हैं। और यही अवस्था सोतपन्ना की कही गई है, अर्थात व्यक्ति के अंदर ज्ञान जागृत होता है, प्रज्ञा जागृत होती है। तो कई बार व्यक्ति इस प्रकार का भी अनुभव करता है कि ठीक है, क्या हमने शराब के जरिए जो सुखद संवेदना पाई है, क्या हम विपश्यना के जरिए जो ध्यान की सोतापन्न की जो अवस्था है, क्या वहां पे भी कुछ मिलता है? क्योंकि वैसे तो उसे ये समझ में आता है कि शराब छोड़ दो, सुख छोड़ दो, स्वाद का त्याग कर दो, आंखों के जरिए होने वाली सुखद संवेदनाओं को छोड़ दो, सब तो आप छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो सोतापन्न की अवस्था में मिलता क्या है? क्योंकि यहां पर तो हम अनुभव कर रहे हैं कि हमें सुखद संवेदनाओं के जरिए भले वो क्षणिक हो, दुखों को उत्पन्न कर रही हो, लेकिन राहत मिल तो रही है। लेकिन इन सबको जीवन से हटा देने के पश्चात जब सोतापन्ना की जब अवस्था को प्राप्त करते हैं तो वहां क्या मिलता है? और यहीं पे सबसे बड़ा जो राज है वह खुलता है कि जो सोतापन्ना की अवस्था है वास्तव में एक राहत भरी अवस्था है, एक सुकून भरी अवस्था है, एक शांति की अवस्था है। सोतपन्ना की जो फलदायी जो अवस्था है वे वास्तव में पाने की अवस्था है, एक सुकून की अवस्था है, एक राहत की अवस्था है। यहां पे जो असीम शांति मिलती है वो हमारे पांच अंगों के जो माध्यम से मिलने वाली जो सुखद संवेदनाएं और जो राहत होती है उससे कई गुना श्रेष्ठ होती है। इसका अनुभव होते ही व्यक्ति इसके पीछे दीवाना सा हो जाता है। एक ऐसी राहत भरी अवस्था जो व्यक्ति को एक अलग स्थिति पर लेकर चली जाती है, एक अलग अनुभव। और यह हमारे मन की स्वाभाविक अवस्था है कि जैसे ही हम इसे इच्छाओं से मुक्त करते हैं यह अपने आप राहत की अवस्था में चला जाता है, एक अलग परिस्थितियों में चला जाता है जहां पर इसे सुकून, राहत का एहसास होता है। इस अवस्था को अमृत पद भी कहा गया है कि यह अमृत पद के जैसी अवस्था है। इसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम केवल इतना समझ सकते हैं कि जो आनंद हमें हमारे छह अंगों से दिया है उनके जरिए जो हमें राहत मिलती है उससे कई गुना श्रेष्ठ अवस्था होती है। मन एकदम शांत और विमुक्त हो जाता है। और बुद्ध कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति विमुक्त होकर विचरण करता है, अर्थात एक ऐसी अवस्था जो उसके अंतर मन की गहराइयों को पूरी तरह से राहत, सुकून, शांति प्रदान करती है। तो क्या है ये राहत सुकून भरी सोतपन्ना की अवस्था? इसी अनसुलझे रहस्य या जिसे हम शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकते हैं इसे शब्दों के माध्यम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इसे शब्दों में बयां किया जा सकता है। तो इसी प्रयास को हम फिर से जारी रखेंगे। आप देखते रहिए बुद्ध और उनके संदेश। धन्यवाद।